हे गाइस व्हाट्स अप, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज मैं कर रहा हूँ एक डाइट वीडियो। बनाऊंगा एक डिश बहुत ही फटाफट, जो लोग जो भी सुबह वर्कआउट करते हैं अर्ली मॉर्निंग, जो उठ के फटाफट जिम जाते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। बिकॉज मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि सुबह मैं जिम जाता तो मैं क्या खा के जिम जाऊँ जो कि जल्दी से बन जाए फटाक से और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर आप वैसे भी शाम को जिम जाते हैं या कभी भी, आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें सब कुछ है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब इसका नाम क्या है। गाइस, दिस इज़ मोर ऑफ अ स्नैक और अ कम्प्लीट मील कह लीजिए। और ये इसको मैंने नाम दिया है खीर, इंडियन प्रोटीन खीर। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए मैंने, राइस, बेसिकली लेफ़्ट ओवर राइस जो आप एक दिन पहले बनाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उससे ये डिश ज़्यादा अच्छी बनती है, ना कि ताज़े फ्रेश बने हुए राइस से। बट हाँ, अगर आपके पास फ्रेश राइस है, आप फ्रेश राइस भी यूज़ कर सकते हैं। सो राइस यूज़ करेंगे हम, थोड़े से नट्स यूज़ करेंगे, नट्स में काजू और अपने अखरोट, थोड़ी सी किशमिश यूज़ करेंगे, उसके बाद एक बनाना, इलायची पाउडर, सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे इसमें मिल्क। तो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। हाय गाइस, वेलकम, स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को एक साथ इस ब्लेंडर में डालूंगा और आपने क्या करना है, सबको एक साथ ब्लेंड करना है और फिनिश 2 मिनट से भी कम लगते हैं रेसिपी को बनाने में। ये मेरे राइस जो लेफ्ट ओवर राइस थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस राइस और ये मैं डालूंगा ब्लेंडर के अंदर। ये क्या राइस, कितने राइस डालने आपने, आप एक कटोरी राइस डालेंगे चलेगा। तो गाइस, ये रेसिपी बनाने के लिए आपने क्या करना है, सब चीज़ों को डालना है ब्लेंडर के अंदर, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी। एक चीज़ रह गई, यहाँ रखिए, ये आपका वे प्रोटीन है। मैंने 1.5 स्कूप वे प्रोटीन निकाल के रखा है जो कि जाएगा ब्लेंडर के अंदर। सो ब्लेंडर के अंदर मैंने राइस डाला है, कितना राइस है ये, 1.5 कटोरी राइस है। एक बनाना छील के डालूंगा मैं। ये जा रहे इसके अंदर नट्स, नट्स के बाद मैं डालूंगा इसमें मिल्क, मिल्क के बाद वे प्रोटीन, और उसके बाद गाइस डालूंगा इलायची पाउडर। आप ध्यान रखिए, इलायची पाउडर इस डिश में थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा इलायची पाउडर रहेगा इसमें, उतना आपको फ्लेवर आएगा खीर जैसा। सो ये गया इलायची पाउडर, मैंने रख दिया सबको साइड में। यूजली आई ऑल्सो पुट 1 एवोकाडो इन दिस, बट आई नो एवोकाडो मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत लोगों को अवेलेबल नहीं होगा। सो आज मैं एवोकाडो नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर। गाइस, दिस डिश इज रेडी टू ईट नाउ। देखा आपने, 2 मिनट से भी कम का समय लगा इसमें। बहुत लोगों को क्या था, इसमें थिकनेस कम चाहिए होती है। अगर आपको कम थिकनेस चाहिए, थोड़ा गाढ़ा चाहिए ये चीज़ को, आप मिल्क थोड़ा कम डालिए इसमें और ये गाढ़ी हो जाएगी। अभी मैं इसमें डालूँ ऊपर से किशमिश गार्निशिंग के लिए, थोड़ा इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं, और सिनेमन पाउडर। सो गाइस, दिस डिश इज रेडी, सो मैं टेस्ट करूँगा। आप प्लीज़ इसको बनाइए, और अगर आपको ये पसंद आए डिश, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कहना पड़ता है, रूटीन है हर वीडियो में, बट ये भी डिश आप बनाइए अगर आपको पसंद आए तभी प्लीज़। लेकिन आप करिए ज़रूर, आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम था गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार।